हाय बच्चों गुड मॉर्निंग मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको मैं तो दिखाई दे ही रहा हूँ सही बच्चे लाइव फटाफट फड़। मैं फैकल्टी इंग्लिश फिर से आपके सामने एक और बहुत बेहतरीन वो कैप लेकर जो कि हम लोग चला रहे हैं रोज सुबह छह बजे और इस इस क्लास का टारगेट सिर्फ यही है कि चाहे एग्जाम कोई भी हो एन हो एयरफोर्स एक्स वाई हो नेवी हो इंडियन कोस्ट गार्ड हो आर्मी क्लर्क हो या एसएससी ही क्यों ना हो हर एग्जाम की सारी वो कैब यहां से बच्चों की कवर हो जाए चले तो आ जाएंगे सारे बच्चे फटाफट फटाफट फ़ड़ जुड़ जाएंगे मेरे साथ और सबसे पहले सेशन को शेयर कर देंगे ताकि सारे बच्चों के मोबाइल में ये सेशन इसके लिंक पहुंच सके चलिए भाई शुरू करेंगे सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ये सनीकेत गेम ऑफ मैथ सही बच्चों गुड मॉर्निंग सही बच्चों को ढेर सारा प्यार गुड मॉर्निंग श्याम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जय हिंद जय हिंद सही बच्चों को सही बच्चों को ढेर सारा प्यार चलिए आइए सेशन को शुरू करेंगे और बढ़िया सेशन आपका वेट कर रहा है आज फिर सबसे पहले फिर कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट जाकर उसे सब्सक्राइब कर लेंगे और जिन बच्चों ने अभी तक पर मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है फटाफट जाकर मोबाइल ऐप डाउनलोड करके बढ़िया सी रैंकिंग उसे देंगे चले तो आगे बढ़ जाते हैं भाई ये रहा पहला वर्ड आपके सामने और उसके पहले एक मोटिवेशनल थॉट बहुत प्यारा बहुत जरूरी जो सुबह सुबह के लिए बहुत जरूरी होता है और मोटिवेशनल मोटिवेशनल आपसे बोल रहा है सड़क कभी भी सीधी नहीं होती कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है जिंदगी भी सड़क जैसी है बस धैर्य के साथ चलते रहे सुखद मोड़ अवश्य आएगा तो बच्चों जिंदगी जो है वो सड़क की तरह है सीधी नहीं है मोड़ उसमें भी आता है यानी आपकी जिंदगी में अगर कोई दुख है तो नो डाउट वो आया है कोई बड़ी बात नहीं है से आ सकता है लेकिन आपको क्या करना है आपको इंतजार करना है उस सुखद सड़क का भी जो एकदम सीधी आएगी लेकिन आएगी जरूर तो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आप किसी एग्जाम में निकल नहीं पाते हैं तो निराश कभी ना हो, हो सकता है ऊपर वाले ने कुछ अच्छा आपके लिए लिख रखा है चलिए तो शुरू करेंगे बच्चे ये रहा पहला वर्ड आज का आ जाएंगे सारे शेर मेरे चलिए यह रहा पहला वर्ड आपका गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को सभी को ढेर सारा प्यार सभी को ढेर सारा प्यार सभी को जय हिंद सभी को राधे राधे आ जाइए मेरे शेर और एक बार दबा के जरा दबा के शेयर कर दे जाइएगा सेक्शन को क्योंकि आज हमें बेहतरीन लाइव परफॉर्मेंस देनी है आ जाएंगे सारे शेर मेरे साथ बढ़िया सी वो के लिए तो पहला वर्ड आपका स्क्रीन पर है और पहला वर्ड है वैथ डब्ल्यू आर ए टी एच रेट डब्ल्यू आर ए टी एच रैथ साथ में मेरे निमोनिक्स और बनाते चलेंगे तीन तरह के काम बच्चे आप लोग करते हुए चलेंगे मैं जब पढ़ा रहा हूं कोई वो कैब तो मेरे साथ साथ मैं तो निमोनिक बनाऊंगा ही आप भी निमोनिक्स बनाते हुए चलिए साथ में दूसरा काम आपका ये है कि अगर निमोनिक नहीं बना रहे हैं तो एग्जाम्पल्स बनाते हुए चलिए तीसरा काम यह अगर एग्जाम्पल्स भी नहीं बना रहे हैं तो उसके synonym, तो खोजते चलिए लेकिन पढ़ते रहिए कहा जाता है ना कि दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलो चल नहीं पा रहे हो तो रेंगो लेकिन एक जगह बैठो मत तो चलिए पहला वर्ड है बच्चे रेथ। रेथ का मतलब होता है होता क्या है बच्चे रेत जो है नाउन रैथ क्या है? एक नाउन है कैसा नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है यानी हम कभी भी इसका प्लूरल नहीं बना सकते है ना जो नाउन अनकाउंटेबल होता है यानी उस नाउन का प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं होता यानी रैथ का रेथ नहीं बना सकते चले आइए देखते मतलब क्या होता है मतलब होता है अतिक्रोध रोष को प्रतिशोध देखो उसको पिक्चर में कितना गुस्सा हो रहा है गुस्से से इसका चेहरा लाल हो गया यानी ये आदमी अति क्रोध में है तो जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं बहुत ज्यादा क्रोध में होते हैं तब उस वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है उस वर्ड को कहा जाता है बच्चे रैथ डब्ल्यू आर ए टी एच रैथ याद कैसे रखोगे वो इंपॉर्टेंट बात है देखो कितना बढ़िया निमोनिक है भल्लाल देव भल्लाल देव याद है ना सबने बाहुबली देखी है भल्लाल देव क्रोध में रथ रथ चला रहा है कितना प्यारा निमोनिक बन गया कि भल्लाल देव जो है भल्लाल देव क्रोध में रथ चला रहा है भल्लाल देव का रथ याद है तो मैं उसके आगे सब पहिया पहिया घूमता था और सबको काटता हुआ चलता था तो उसी चीज को टारगेट बनाकर यहां बताया है मैंने कि भल्लाल देव वो जो रथ चलाता था ना वो क्रोध में चलाता था तो रथ ही हमारा वर्ड है रथ हमारा वर्ड है उसको हम रथ बोलेंगे और क्रोध हमारे निमोनिक में आ गया और ये डन हो गया चलिए आइए सिनोनिम्स देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे एंगर वेंजेंस पनिशमेंट है ना पनिशमेंट के बाद ये सारे के सारे इसके सिरोनिम्स हो जाएंगे और अगर मैं एंटोनिम की बात करूं बच्चे तो प्लेजर कंफर्ट डिलाइट डिलेक्टेशन और सेटिस्फेक्शन ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे मतलब वो सारे वर्ड जो गुस्से की बात करेंगे क्रोध की बात करेंगे इसके सिनोनिम्स होंगे और वो सारे वर्ड जो कंफर्ट की बात करेंगे प्यार की बात करेंगे प्लेजर की बात करेंगे इसके एंटोनिम्स कहलाएंगे चलिए आइए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मेरे शेरों के लिए बनाता हूं देखते जाइएगा गॉड इज इन रैट God is in wrath. We can see this. We can see this in COVID-19 wave. Very important. देखो कुछ लोग बोल रहे थे कि भगवान क्रोध में है भगवान गुस्से में है गुस्सा देखना है तो कोविड नाइनटीन वेव में देख लो कि लोगों को जमीन तक नसीब नहीं हुई आग तक नसीब नहीं हुई मरने के बाद यानी भगवान बहुत गुस्से में है

तो मेरे बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए नोट करिए मैं देखता हूं आपने क्या क्या निमोनिक्स और क्या क्या एग्जाम्पल्स बनाए हैं आपके कमेंट्स में देखना पड़ेगा मुझे तो ओके कोई बात नहीं हिंद शेर इलाहाबाद बोल रहा है इलाह दीपेश बोल रहा है मैंने अपने शांति से कहा रखा धीरे चलाओ नहीं तो मुझे गुस्सा आ रहा है नहीं नहीं दीपेश गलत बना रहे हो राम 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 सभी कोषभ राजपूत ने बनाया इसराइल लॉज द मिशन विच वॉज वेथ ऑफ गॉड ओके शानदार एयरफोर्स लवर ने बनाया है तू रथ पर बैठकर मुझ पर क्रोध कर रहा है बहुत बढ़िया सर है गुड मॉर्निंग बोल देना ओके बोल दूंगा। मेरा कोशिश करिए कोशिश करिए आपके जो निमोनिक्स है ना वो निमोनिक्स इस तरह से बने कि आपका वर्ड भी आ जाए और वर्ड के साथ साथ उसका मीनिंग भी आ जाए जैसे इस निमोनिक को देखो जो मैंने बनाया था इसमें वर्ड भी आया था

मतलब होता है बीमार सा मतलब क्या होता है बीमार सा पतला सा ठीक है बीमार सा पतला सा पीला धूला वर्णहीन है ना कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो लाश के जैसे दिखते हैं बीमार टाइप दिखते हैं इस औरत को देखो कैसी लग रही तो मैं ऐसा लग रहा है कि लाश है जिंदा लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा बीमार है इसकी स्किन पेल येल्लो हो रही है तो ऐसी स्थिति को ऐसे पर्सन की हालत को हम वैन बोलते हैं चलिए आइए याद कैसे रखेंगे याद कैसे रखेंगे वो जरूरी है उस वैन ये हो गया वैन उस वैन में कोई पतली बीमार सी उस वैन में कोई पतली बीमार सी औरत बैठी है उस वैन में कोई पतली बीमार सी औरत बैठी है ये देखो बढ़िया निमोनिक बन गया वैन भी याद हो गया और पतला बीमार भी याद हो गया तो उस वैन में कोई पतली बीमार सी औरत बैठी है चलिए भाई सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स हो जाएंगे बच्चे पेल सिकली कलरलेस या पैलेड ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फिर अगर बात करूं एंटोनिम्स की तो हो जाएंगे रेड रेडिश ब्लूमिंग फ्लोरिड ये सारे सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे यानी वो सारे वर्ड्स जो बताए हैं कि कोई मतलब जिंदगी रंगहीन है व्यक्ति रंगहीन है बीमार है पेल है सड़ा हुआ दिख रहा है और जो एंटोनिम्स होंगे बड़े बड़े चमकदार है लाल है रंगों से भरा हुआ है वो सारे वर्ड्स उसके एंटोनिम्स की तरह अपने आप को प्रदर्शित करेंगे चलिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लिखता हूं बच्चों आपके लिए देखते जाइएगा He is looking van, so I suggest him to go to our doctor. वो क्या लग रहा था मुझे भैया वो मुझे बहुत ज्यादा वैन लग रहा था तो मैंने उसे सजेस्ट किया क्या सजेस्ट किया मैंने उसे सजेस्ट किया डॉक्टर के पास जाने को तो बढ़िया सा सा वर्ड है है बच्चों वैन जो एडजेक्टिव मतलब होता है बीमार सा, पीला धुंधला वर्णहीन एक बढ़िया सी पिक लगी है जो इस वैन वर्ड को जस्टिफाई कर रही है ये औरत इतनी बीमार लग रही है कि वर्णहीन पतली बीमार सी दिखाई दे रही है एक बढ़िया सा निमोनिक है कि उस वैन में कोई पतली बीमार सी औरत बैठी है जैसे कि मैंने पिक में बनाई है एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है ही इज लुकिंग वैन सो आई सजेस्ट हिम टू गो टू अ डॉक्टर तो मेरे बच्चे आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए इसे नोट करिए मैं देखता हूं आप लोगों ने क्या क्या निमोनिक्स बनाए हैं सारे बच्चे निमोनिक्स और एग्जाम्पल्स बनाते रहेंगे साथ में मेरे पढ़ेंगे साथ में आपका मेरे साथ पढ़ना जरूरी है बच्चे तो सुबह सुबह एक टीचर के गाइडेंस में आप पढ़ाई कर लेते हो और वो सबसे अच्छी बात होती है ओके दीपेश ने बनाया है मुझे वैन में एक पीला कपड़े पहने हुआ बीमार व्यक्ति मिला ओके राहुल कुमार बोल रहा है संजय दत्त हैस वैन में फेस ओके ऋषभ राजपूत ने बनाया है स्कूल वैन आज मेरे घर के पास नहीं आएगी मैं बीमार सा हूं बहुत बढ़िया एयरमैन शिवा ने बनाया है तू वैन चलाते चलाते बीमार पड़ गया है आशीष मीना ने बनाया है एमी सर गोवा की वैन में बीमार से हो गए <laughs> अरे मुझसे ज्यादा तो किसी ने एंजॉय भी नहीं किया होगा जो जो मैंने किया है वो तो किसी ने किया ही नहीं होगा चलिए अगला वर्ड ये रहा स्क्रीन पर लेकिन गोवा में मैंने सब खाया पता है केकड़ा लॉबस्टर झींगा फिंगा जो भी कुछ खाया जा सकता था सब खा लिया मैंने अगला वर्ड है बच्चों हमारे पास वीर वी डबल ई आर वीर वी डबल ई आर वीर ठीक वीर क्या है बच्चे वीर है बर्फ और कैसा वर्ग है ये ये ट्रांजिटिव भी है इन ट्रांजिटिव भी है यानी ये ऑब्जेक्ट लेगा भी नहीं भी लेगा इसकी मर्जी होगी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा करेगा इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दिशा बदलना मोड़ना मार्ग बदलना देखो एक पिक है यहाँ पर क्या किया गया है सीधी रोड आ रही थी फिर इंजीनियर ने यहां से इसको मोड़ दिया यानी इसको वीर कर दिया है ना तो दिशा को मोड़ना दिशा को एक तरफ कर देना यही क्या कहलाता है यही वीर करना कहलाता है मैं वीर करना कहलाता है क्यों बोल रहा हूं कि वीर एक वर्ब है चलिए याद कैसे रखेंगे वो जरूर ये देखो प्यारा से निमोन वीर ये हो गया वीर वीर तुम दिशा बदल सकते हो वीर तुम दिशा बदल सकते हो हो गया याद कितना बढ़िया कितना प्यारा सेनेमोनिक है वीर आ गया वीर आ गया तुम दिशा बदल सकते हो पूरा सेंटेंस आ गया हमें याद हो गया चलिए आइए देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे बच्चे सिनोनिम्स होंगे चेंज स्विंग डाइवर्ज सवर्च और वेरी स्वेर और वेरी है ना तो वो सारे वर्ड जो कहीं ना कहीं दिशा बदलने की बात करेंगे मोड़ने की बात करेंगे इसके सिनोनिम्स होंगे अब एंटोनिम्स देख लेते हैं एंटोनिम्स होंगे रिमेन कंटिन्यू अबाइड पर्सिस्ट और लास्ट और वो सारे वर्ड्स जो बात करेंगे ना मुड़ने की खत्म हो जाने की कहते हैं ना कि इसके आगे तो कोई मोड़ ही नहीं है यहां पर तो रास्ता खत्म हो गया ऐसे सारे वर्ड जो इस सिचुएशन को बताएंगे वो सारे वर्ड्स या फारे जो कंटिन्यूएशन की बात करेंगे बिना मोड़ के वो सारे वर्ड उसके सिनोनिम्स होंगे चलिए एक बढ़िया से एग्जाम्पल बनाता हूं मेरे शेरों के लिए देखते जाइएगा डोंट वीर योर वहीकल डोंट वीर योर वहीकल द रोड बिस साइड इज नॉट गुड है ना डोंट वीर योर व्हीकल द रोड बिस साइड इज नॉट गुड अपनी गाड़ी को मत मोड़ो क्योंकि जो साइड की रोड है वो अच्छी नहीं है तो बढ़िया सा वर्ड है बच्चो वीर जो कि एक वर्ब है मतलब होता है दिशा बदलना मोड़ना या मार्ग बदलना एक बढ़िया सा पिक है जो स्वीर वीर नाम के वर्ड को जस्टिफाई कर रहा है जहां पर रोड मुड़ रही है टर्न ले रही है एक बढ़िया सा निमोनिक है कि वीर तुम दिशा बदल सकते हो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल भी है कि डोंट वीर योर वहीकल द रोड द साइड इज नॉट गुड तो आप स्क्रीन लेंगे मेरे शेरों और मैं देखता हूं आपने क्या क्या निमोनिक्स बना लिए हैं निमोनिक्स बनाते जाइए बच्चों एग्जाम्पल्स बनाते हुए चलिए बहुत जरूरी है ये एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे यार जोश में आओ थोड़े सेशन को शेयर करो सारे बच्चे जाकर एक बार लाइक करेंगे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तुमने देखो 200 बच्चे वॉच कर रहे हैं और केवल मुझे 97 लाइक मिले हैं सोचो लॉर्ड्स ऑफ शेम वीर आदमी संसार की दिशा बदल देता है बिल्कुल दमन दीपेश ने बोला है वीर तुम अपनी मेहनत से दिशा बदल सकते हो ओके अभिषेक सिंह तोमर ने बनाया है मेरे फ्रेंड वीर ने अपनी गर्लफ्रेंड का कान मोड़ दिया <laughs> ये था यह बहुत हार्ट था भाई बहुत बढ़िया हर्ष ने बनाया है वीर ने मोटू की दिशा बदल दी ओके शानदार अमित कुमार ने बना है वीर आदमी अच्छे अच्छों की दिशा बदल देते हैं बहुत शानदार चलिए अगला वर्ड ये रहा स्क्रीन पर बच्चे अगला वर्ड है आपका वो है वैनिटी अगला वर्ड है वैनिटी वी ए एन आई टी वाई वैनिटी वैनिटी चले वैनिटी क्या है बच्चे वैनिटी एक नाउन है वैनिटी एक नाउन है मतलब क्या होता है मतलब होता है मिथ्याभिमान दंभ या घमंड मतलब क्या होता है मिथ्याभिमान दंभ या घमंड कुछ लोगों को जबरदस्ती का घमंड होता है जबरदस्ती की मिथ्या होती है।, है ना कुछ लोग जो है अपने आप को बहुत ज्यादा अभिमानी मानते हैं उनके पास थोड़ा सा पैसा आता है तो अपने आप को ऐसे बताने लगते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई है ही नहीं नहीं माने तो ये जो पिक्चर है उसमें देखो उस आदमी को, जरा से अच्छे कपड़े क्या पहन लिया लोगों से इस तरह खड़े होकर बात कर रहा है जैसे कि वो बहुत बड़ा है बहुत ऊंचा है ये इसका मिथ्याभिमान है ये इसका दम्भ है ये इसका घमंड है चलिए आइए याद कैसे रखेंगे वो जरूरी है वहा वो नीति नहीं थोड़ा सा और चेंज करेंगे इसको वे नीति ये हो गया वीति हम्म स्विच व नीति से व्यक्ति में दंभ और वे नीति से व्यक्ति में दंब और घमंड भरते हैं घमंड भरते हैं है ना वैनिटी वे नीति वैनिटी वे नीति वे नीति से व्यक्ति में दंब और घमंड बलते कुछ लोगों को जो है चढ़ाया जाता है अरे नहीं यार तुम निकाल दो ऑफिस वालों को तुम ही तो पूरी कंपनी चला रहे हो तो इस तरह से दम और घमंड नीति के द्वारा भरा जाता है तो बढ़िया सा निमोनी के बच्चे की वे नीति सी व्यक्ति में दम और घमंड भरते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे मेरे शेरों सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑस्टेंटेशन प्राइड कॉन्सीट शो या सेल्फ एस्टीम ये सारे के सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो वो होंगे मोडेस्टी डिफिडेंस ह्यूमिलिटी बैकवर्डनेस और अंडर

आ जाएंगे सारे बच्चे थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी है ना थोड़ी सी बफरिंग जैसी हो गई थी लेकिन कोई बात नहीं वापस से मैं आ गया हूं फिर से, से सेशन स्टार्ट होने वाला है तो आ जाएंगे सारे बच्चे फिर से वापस आ जाते हैं हम हमारे वर्ड पर और हम इस वर्ड पर थे है ना ठीक है हम इस वर्ड पर थे यहां तक हमने कर लिया था चलिए अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं उसके पहले एक बहुत प्यारा मोटिवेशनल थॉट थोड़ है थोड़ी देर के लिए बच्चों बफरिंग हो हो गई गई थी थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे लाइट ही चली गई। तो कोई बात नहीं मैं वापस वापस आ गया गया सेशन से स्टार्ट हो गया है फटाफट -फड़ सारे बच्चे शेयर कर देंगे लाइक कर देंगे और जुड़ जाएंगे मेरे साथ एक प्यारे मोटिवेशनल थॉट के साथ कि जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है तो जैसे कि थोड़ी देर पहले हुआ ऐसा लगा कि क्लास खत्म हो गई लेकिन ऐसा नहीं है मैंने हार नहीं मानी मैंने फटाफट ऑफिस फोन किया दोबारा क्लास को रिशेड्यूल करके तैयार करवा लिया तो जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता हो सकता है कि एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है चलिए शुरू करें आगे चलिए अगला वर्ड बच्चों रहा स्क्रीन पर और अगला वर्ड है हमारे पास ट्रंपरी टी आर यूएम ट्रंपरी T -R U M P E R Y trumpery ठीक ट्रंपरी ट्रंपरी क्या है बच्चे ट्रंपरी एक एडजेक्टिव है यह भी नाउन की तारीफ के काम में आता है मतलब क्या होता है घटिया तुच्छ दिखावटी भड़कीला रद्दी है ना घटिया तुच्छ होता है रद्दी चीजें होती हैं उन्हें हम ट्रम्परी बोलते हैं जैसे कि भाई आपने देखा होगा कि कुछ लड़के लड़कियों पर बहुत भद्दे बहुत गंदे कमेंट्स करते हैं तो वो जो गंदे और भद्दे कमेंट्स वो जो रद्दी कमेंट्स लड़के लड़कियों पर करते हैं वही कहलाते हैं ट्रम्परी इससे आप याद रख लेंगे चलिए निमोनिक क्या बनेगा वो देखते हैं निमोनिक बनेगा लोगों ने कहा मैंने नहीं लोगों ने कहा कि ट्रंप ट्रंपरी ट्रंप एक घटिया और तुच्छ तुच्छ आदमी आदमी है, है। लोगों ने कहा, मैंने नहीं लोगों ने कहा कि ट्रम्प एक घटिया और तुच्छ आदमी है ना अपने हारने के बाद उन्होंने उसने क्या किया संसद पर अपनी संसद पर गोली चलवाई तो यह तो कोई घटिया और तुच्छ आदमी ही कर सकता है इसलिए मैंने सेनेमोरिक बनाया कि लोगों ने कहा कि ट्रंप एक घटिया और तुच्छ आदमी है तो ट्रंपरी ट्रंप से याद रख लेंगे और घटिया और तुच्छ इसके जो मीनिंग है उनको याद रख लेंगे चलिए ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मतलब वो सारे वर्ड्स जो कहीं ना कहीं बात करेंगे भड़कीले दिखावे रद्दीपन की है ना वो सारे सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं हो जाएंगे इसके और अगर सिनटोनिम्स की बात करूं तो इंपॉर्टेंट सीरियस सिग्निफिकेंट लॉफ्टी वर्दी वो सारे वर्ड्स जो जरूरत की चीजों की बात करेंगे हाँ ये कहना चाहिए हाँ ये होना चाहिए ऐसी बात करेंगे वो सारे वर्ड इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे चलिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बनाता हूं मेरे शेरों देखते जाइएगा

ऑलवेज हर्ट आ तो महिलाओं के लिए जो भद्दे गंदे बेकार से कमेंट लोग करते हैं वो हमेशा उन्हें दुख देता है 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 ना तो बढ़िया सा वर्ड बच्चे जो कि एडजेक्टिव मतलब होता घटिया तुच्छ दिखावटी भड़कीला या रद्दी एक बढ़िया से बेके जहां आप देख रहे हैं कि कुछ लड़के इस लड़की पर घटिया तुच्छ बेकार रद्दी से कमेंट्स कर रहे हैं इसलिए मैंने निमोनिक बनाया है बहुत प्यारा सा ये भी कहता हुआ कि लोगों ने कहा कि ट्रंप एक घटिया और तुच्छ आदमी है एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है कि टॉकिंग ऑलवेज वुमेन तो मेरे बच्चे आप इसका स्क्रीन लीजिए और मैं देखता हूं कि आप लोगों ने क्या क्या निमोनिक्स और क्या क्या एग्जाम्पल्स बनाए हैं ट्रंप की परी ट्रंप परी लड़कों को घटिया बताती अरे ये क्या है भाई बहुत बढ़िया अभिषेक आशीष कुशवा ने बनाया है ट्रंप पैरी का जूस नहीं पी सकता क्योंकि वह बहुत घटिया है ओके नमन चौहान ने एग्जाम्पल बनाया है द गर्ल इन लखनऊ हैज पास कमेंट्स ऑन ए टैक्सी ड्राइवर ओके अंशु सिंघानिया ने बनाया है घटिया लोग ट्रंपरी लोगों को प्रॉब्लम्स में डालते हैं ओके बहुत बढ़िया शानदार बनाते जाइए निमोनिक सारे शेर अभिषेक ने बनाया है ए तू क्या ट्रंप की परी है जो इतना भड़क रही है गुड मॉर्निंग विशाल विकास गुप्ता ने एग्जाम्पल बनाया है शाइना है पीपल ऑफ ट्रम्प रे शानदार चलिए आ जाएंगे सारे बच्चे अगला वर्ड और लाइक नहीं किया ना अभी तक आप लोगों ने जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट फड़ जाएंगे और प्यार से वीडियो को लाइक करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर टेलीग्राम ग्रुप्स पर चले अगला वर्ड ये रहा स्क्रीन पर अगला वर्ड है बच्चों सरफीट एस यू आर एफ ओ हो इसके हाथ में ये क्या है <laughs> सरफीट एस यू आर एफ ई -E आई टी सरफीट अगला वर्ड स्क्रीन में जुड़ चुका है सरफीट चलिए सरफीट क्या होता है बच्चे सरफीट एक नाउन है कैसा नाउन है काउंटेबल नाउन है काउंटेबल नाउन होने का मतलब है कि आप इसका प्लूरल बना सकते हो उसी को हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं चलिए बच्चे मतलब क्या हो जाएगा मतलब हो जाएगा अतिभोजन अतिपूर्ण अति तृप्ति जब कुछ ज्यादा ही हम खा लेते हैं अति तृप्ति अरे बाप रे आज तो बहुत ज्यादा ही खा लिया यही कुछ कहलाता है सरफीट ठीक है एक पिक देखो ये आदमी जरूरत से ज्यादा अति पूर्ण अति भोजनीय बियर लेके घूम रहा है है ना बहुत सारी इतना इसका बाप भी नहीं पी पाएगा जितनी बियर लेके ये घूम रहा है तो बस ये बियर जो है यहां पर ये कैसी है सरफीट है चलिए याद कैसे रखेंगे वो जरूरी है बढ़िया सा है सर्फ ईट सर्फ ईट सर्फ ईट कर रहा है सर्फ ईट कर रहा है तू इतना अति भोजन लेने के बाद है ना अरे भैया इतना सारा खाना खाया तूने, तो अब ये सर्फ क्यों खा रहा है सर्फ ईट कर रहा है तू इतना अति भोजन करने के बाद याद हो गया आपको चले क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स हो जाएंगे बच्चे एक्सेस टू मच सरप्लस या प्लेथोरा और अगर बात करें एंटोनिम्स की बच्चे तो एंटोनिम्स होंगे डेफिशिएंसी डेफिशियरसिटी शॉर्टेज फ्लॉ और फॉल्ट मतलब वो सारे वर्ड्स जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी को दर्शाते हैं एक्सेस क्वांटिटी को दर्शाते हैं जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी को दर्शाते हैं वो सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स होंगे और वो सारे वर्ड जो स्केयरसिटी को दर्शाते हैं कमी को दर्शाते हैं कम क्वांटिटी को दर्शाते हैं वो सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे चलिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल्स मैंने शेरों के लिए बनाता हूं देखते जाइएगा आई हैव आई हैव सर्फीट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ अरे भैया मेरी जिंदगी में तो मुश्किलों की भरमार है मेरी जिंदगी में तो बहुत ज्यादा ही मुश्किलें हैं चले तो बढ़िया सा वर्ड है बच्चों सरफीट नाउन है काउंटेबल नाउन है मतलब होता है अति भोजन अति पुर्णिया अति तृप्ति जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है जरूरत से ज्यादा हो जाती है तब जो वर्ड यूज किया जाता है वो है सर्फ एक बढ़िया सी पिक है ये आदमी जरूरत से ज्यादा ही बहुत अति बियर लेके घूम रहा है इसका बाप भी से नहीं पी पाएगा एक बढ़िया सा निमोनिक है कि सर्फ ईट कर रहा है तू इतना अति भोजन लेने के बाद अचंबित हूं मैं कि इतना अति भोजन लेने के बाद तू सर्फ खा रहा है फिर एक बढ़िया सा एग्जांपल है बच्चे आई हैव सर्फीट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ तो आप सारे बच्चे इसे नोट करेंगे स्क्रीन शॉट लेंगे मैं देखता हूं आपने क्या क्या निमोनिक्स बनाए हैं आपकी निमोनिक्स ही तो जान है मेरे इस सेशन की चले दीपेश ने बनाया है सर फिट में नाप करी कि उसने कितनाती भोजन किया है बहुत बढ़िया गुड मॉर्निंग पंकज अंशु ने बनाया है मोटू पेट भर के तो खा चुका है अब भी तुझे समोसा चाहिए सुमंत पांडे ने बनाए हैं एक्सेस बहुत बढ़िया सागर कुमार ने बनाया है सर फिट रहने के लिए अति भोजन नहीं करना चाहिए बहुत बढ़िया नमन चौहान ने बनाया है कि सर ने इतना खा लिया है कि अब वह फीट पर नहीं चल सकते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार सर से फीट तक अति भोजन मत करो वरना अति पूर्ण हो जाओगे एयरमैन शिवा सर ये फीट बिना धोई क्लास में आ गया ओके चलिए आगे बढ़ जाए अगला वर्ड ये रहा स्क्रीन पर मेरे शेरों अगला वर्ड है आपका और वो वर्ड है सुपरनाल एस यू पी ई आर सुपर सुपर क्या है बच्चे सुपर है एडजेक्टिव मतलब क्या होता है स्वर्गीय पवित्र और ऊंचा स्वर्गीय पवित्र और ऊंचा यही होता है सुपर नाल और इसे जस्टिफाई करने के लिए मैंने क्या किया है इसे जस्टिफाई करने के लिए मैंने एक पिक लगा रखी है पता है कहाँ की उत्तराखंड की उत्तरकाशी की उत्तराखंड की मैंने बढ़िया सी पिक लगा रखी है क्योंकि जो उत्तराखंड है वो पूरा का पूरा कैसा है सुपर है स्वर्गीय है ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए हैं और बहुत ज्यादा पवित्र जगह है आप लोग गए होंगे उत्तराखंड में जगह जगह केदारनाथ गए होंगे आप लोग वहां जाके आपने देखा होगा बहुत अच्छा भी लग रहा है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं और बहुत प्यारे प्यारे दृश्य है वहां पर और वो एक पवित्र जगह है चलिए याद कैसे रखेंगे वो इंपॉर्टेंट बात है निमोनिक्स चाहिए तू सुपर नाल यहां पर मैंने इसके निमोनिक में थोड़ी सी पंजाबी मिक्स कर दी है पंजाबी में साथ का मतलब होता है नाल तू मेरे नाल तो बैठ तू मेरे साथ तो बैठ चलिए तो बच्चे वहां पे एक प्यारा निमोनिक है कि तू सुपर नाल यानी अच्छे लोगों के साथ रहेगा जब तू सुपर नाल रहेगा तभी पवित्र और ऊंचा कहलाएगा तो अगर तुझे अच्छा पवित्र और ऊंचा कहलाना है तो जो, जो सुपर लोगों के साथ बैठना पड़ेगा सुपर नाल बैठना पड़ेगा तो बढ़िया पंजाबी में निमोनिक बन गया है बच्चे सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हेवनली डिवाइन होली सेक्रेट या सैंटली ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे और गैरेंटिम्स की बात करूं तो हेलिश एडोमिनेबल अकर्स्ड वाइल और अनहोली ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे यानी वो सारे वर्ड जो कहीं ना कहीं पवित्रता की बात करते हैं वो सारे वर्ड्स तो कहीं कही ना कहीं शुद्धता की बात करते हैं वो सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स होंगे और वो सारे वर्ड्स जो हेल्थ की बात करते हैं आप पवित्रता की बात करते हैं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे चलिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मेरे शेरों के लिए बनाता हूं देखते चलिएगा उत्तराखंड उत्तराखंड इज सुपरनाल प्लेस उत्तराखंड क्या है एक सुपरनाल प्लेस है एक पवित्र और ऊंची जगह है तो बढ़िया सा वर्ड है बच्चों सुपरनाल जो कि एक, एक एडजेक्टिव है मतलब होता है स्वर्गीय पवित्र या ऊंचा एक बढ़िया सी पिक लगी है उत्तराखंड की इससे अच्छा पवित्र और ऊंची जगह में आपको क्या बताऊं पर एक बढ़िया सा निमोनिक भी है कि तो सुपर नाल रहेगा तभी पवित्र और ऊंचा कहलाएगा एक प्यारा सा एग्जाम्पल भी है कि उत्तराखंड इज अ नाल प्लेस तो फटाफट फड़ बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए नोट करिए आप लोगों ने क्या क्या निमोनिक्स बना लिए हैं एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर करेंगे एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए लाइक like कर दीजिए ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दीपेश ने बनाया है सुपर नाली में गिरने से लोग पवित्र हो जाते इंडियन <laughs> बॉय ने बनाया है सुपर नाल एक स्वर्गीय और पवित्र जगह है ठीक है और क्या बन रहे भाई विकास गुप्ता ने बनाया नहीं ये तो पुराना वाला है शानदार नमन चौहान ने बनाया है कैलाश पर्वत सुपरनाल प्लेस शानदार अंशु ने बनाया है सर्प साबुन यूज नहीं करना चाहिए हमें गंगा जी के लिए अंदर वो पवित्र है बहुत बढ़िया एयरमैन शिवा ने बनाया है तो सुपरनाल लोगों के साथ जाना डेली वरना रास्ते में पिटेगा आशीष ने बनाया है उस ऊंचे और पवित्र सुपर नाले पर ज्यादा कठिन नहीं है ओके बढ़िया बढ़िया कोशिश रहती है बच्चों आपकी भी थोड़ा सा और इम्प्रूव करो थोड़े से और ऐसे निमोनिक बनाओ कि काम आसान हो जाए तो चलिए एक बढ़िया सा मोटिवेशनल थॉट है आपके लिए जो खो गया उसे सोचा नहीं करते जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते है ना तो कुछ बच्चे हमेशा अपने हालातों पर रोते अरे सर मेरे पास किताब नहीं है मेरे पास ये नहीं है मेरी किताब नहीं आई मेरे साथ ऐसा हो गया मेरे घर में ऐसा चल रहा है तो हालातों पर रो मत बल्कि हालातों से लड़कर मजबूत बनकर अपने पेपर को क्लियर करो जब तुम ऐसा करोगे तो तुम चार लोगों को यह कह पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी कितनी स्ट्रगल से निकली है तुम्हें कुछ भी मिला नहीं तुमने सब कुछ कमाया है अपनी मेहनत से चले अगला वर्ड यह रहा बच्चे अगला वर्ड है हमारे पास स्टिंक एस टी आई एन के स्टिंक अगला वर्ड है स्टिंक एस टी आई एन के स्टिंक स्टिंक क्या है बच्चे स्टिंक एक नाउन है कैसा नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है स्टिंक क्या है एक नाउन है कैसा नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है मतलब क्या होता है बदबू या दुर्गंध है ना किसी भी चीज की बदबू किसी भी चीज की दुर्गंध अगर आ रही है तो वो क्या है वो स्टिंक है देखो इस आदमी को से किसी चीज की बदबू आ रही है तो ऐसे नाक बंद करके बैठा हुआ है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये बता रहा है कि इसे कहीं से स्टिंक आ रही है यानी बदबू आ रही है चलिए याद कैसे रखेंगे वो ज्यादा जरूरी है निमोनिक बहुत ज्यादा जरूरी है इस टैंक ये हो गया है टैंक इस टैंक से बहुत बदबू आ रही है इस टैंक से बहुत बदबू आ रही है तो एक टैंक है घर के ऊपर एक टैंक है जिसे आपने कभी साफ ही नहीं किया दस सालों से अब उसमें एक चूहा मरा हुआ पड़ा है इसलिए इस टैंक से बहुत बदबू आ रही है तो इस टैंक याद हो गया आपको चलिए सिरोनिम्स क्या हो जाएंगे सिरोनिम्स होंगे हॉरिड स्मेल स्टैंच मेफाइटिस और पोंग ये सारे के सारे इसके सिरोनिम्स हो जाएंगे और अगर मैं बात करूं बच्चे तो परफ्यूम फ्रेग्रेंस सेंट, एसेंस और बालमिनस ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे यानी वो सारे वर्ड जो बदबू ही बदबू बताते हैं वो सब इसके सीरोम्स हैं। और वो सारे वर्ड जो खुशबुआ ही खुशबु फैलाते हैं वो सारे वर्ड इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे चलिए एक बढ़िया से एग्जाम्पल मेरे शेरों के लिए बनाता हूं देखते जाइएगा आई कैन फील द बैड स्टिंक ऑफ दिस डेड फिश आई कैन फील द बैड स्टिंक ऑफ दिस डेड फिश मैं इस मरी हुई मछली की बुरी बदबू सूंघ सकता हूं तो बढ़िया सा वर्ड है बच्ची आपके पास स्टिंक जो कि एक नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है बदबू दुर्गंध इसका मीनिंग होता है एक बड़ी आदमी अपनी नाक बंद कर रहा है क्योंकि से कहीं से कुछ बदबू आ रही है एक बड़ी आसा निमोनिक है। इस से बहुत बदबू आ रही है एक शानदार एग्जाम्पल भी है कि आई कैन फील द बैड स्टिंग ऑफ दिस डेड फिश तो आप बच्चों फटाफट से नोट करिए स्क्रीन शॉट लीजिए मैं देखता हूं आपने क्या क्या निमोनिक्स बना लिए हैं चलिए ओके अमित आदित्य यादव ने बनाया है ईस्ट से इंक की बदबू आ रही है ओके बहुत बढ़िया आशीष ने बनाया है बदबूदार एस टी इंक से दूर रही है ओके आदित्य यादव ओके 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 और क्या बढ़िया सा बढ़िया बताओ नमन चौहान ने बनाया है इस सिंक से बहुत बदबू आ रही बढ़िया चलेगा और बनाओ भाई राहुल सिंह ने बनाया स्टिंग एनर्जी ड्रिंक से बदबू आ रही है शानदार चले अगला वर्ड ये रहा बच्चे स्क्रीन पर अगला वर्ड ये रहा स्क्रीन पर अगला वर्ड है स्पेट एस पी ए टी ई स्पेट एस पी ए टी ई स्पेट स्पेट क्या है बच्चे स्पेट एक नाउन है क्या है स्पेट स्पेट एक नाउन है मतलब क्या होता है नदी की बाढ़ बौछार मूसलाधार वर्षा जब भी आपको कहीं बहुत ज्यादा पानी दिखाई दे बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई दे मूसलाधार बारिश दिखाई दे समझ जाना उसी को क्या बोलते बच्चे उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेट एस पी ए टी ई स्पेट चलिए याद कैसे रखेंगे वो ज्यादा जरूरी है इस बार देखते जाएंगे सारे बच्चे इस बार बाढ़ और तेज बोछार तेज बोछार धरती पर धरती पर सपाट सपाट इस पैट को आप सपाट पढ़ सकते हैं बहुत आराम से सपाट पढ़ रही है पढ़ रही है क्लियर है तो हो क्या रहा है कि इस बार बाढ़ और तेज बोछार धरती पर सपाट पड़ रही है स्ट्रेट पड़ रही है बाढ़ भी आ रही है और तेज मूसलाधार बारिश भी हो रही है बिहार में हमने देखा जो बिहार के बच्चे हैं बहुत सी बार मुझे कॉल करते हैं बोलते हैं कि अरे सर दिक्कत हो गई है बहुत बाढ़ हम तो क्लास ही नहीं ले पा रहे क्योंकि पानी भरा हुआ है लाइट ही नहीं है यहां पर मोबाइल कैसे आउटपोरिंग रेन स्टॉम और टॉरेंट ये सारे के सिनोनिम्स सारे हो जाएंगे और अगर एंटोनिम्स की बात करूं तो ड्रॉट एरिडिटी डिहाइड्रेशन ड्राइनेस और डेसिकेशन इसके एंटोनिम हो जाएंगे मतलब वो सारे वर्ड्स जो बहुत ज्यादा पानी की बात करते हैं फ्लड की बात करते हैं वो सिनोनिम्स होंगे और वो सारे वर्ड जो सूखे की बात करते हैं ड्रॉट की बात करते हैं वो सारे इसके एंटोनेम्स हो जाएंगे एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बनाता हूं बच्चे देखते जाएगा आई हैव सीन स्पैट इन बिहार अरे भाई मैंने बिहार में बाढ़ देखी है मैंने बिहार में लब पानी भरा देखा है तो बढ़िया सा वर्ड है बच्चे स्पैट जो कि मतलब होता है नदी की बाढ़ बोछारिया मूसलाधार वर्षा एक बढ़िया सी पिक है जहां पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारा पानी भरा हुआ है बाढ़ आई हुई है और ये पिक भी बिहार की ही है यहां पर आप देख रहे हैं कि पूरे मकान डूब चुके हैं एक बढ़िया सा निमोनिक है कि इस बार बाढ़ और तेज बोछा धरती पर सपाट स्पाट पड़ रही है एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है कि आई हैव सीन स्पैट इन बिहार तो सारे बच्चे से नोट करेंगे मैं देखता हूं आपने क्या स्क्रीन शॉट बनाए हैं आदित्य यादव ने बनाया है ए भाई इस मेंढक को देखो इतना पानी पिया है कि लग रहा है कि पेट में बाढ़ आ गई है अरे वाह 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 नमन चौहान इस पाट गांव में बहुत ही ज्यादा मूसलाधार बारिश है बहुत बढ़िया आशीष कुशवाहा बिहार में मूसलाधार वर्षा ने इस पेट पर लात मार दिया है बहुत बढ़िया शानदार ओके 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 आकाश राव ने एग्जाम्पल बनाया कि बागपत में दो दिन से स्पैट हो रही है अंशु सिंघानिया ने एग्जाम्पल बनाया है आई हैव सीन स्पैट इन माइ विलेज शानदार बहुत बढ़िया बच्चे अगला वर्ड स्क्रीन पर ये रहा अगला वर्ड है बच्चों वो है सौजी, एस ओ डबल जी वाई सौगी सौगी भी पढ़ सकते हैं सौजी भी पढ़ सकते हैं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हमारे लिए कोई बड़ा मैटर नहीं है चले सोजी का मतलब क्या होता है बच्चे सोजी है क्या सोजी जो है या सोगी जो है वो एडजेक्टिव है सोजी क्या है एडजेक्टिव है मतलब होता है गीला भीगा पानी से भरा होने के कारण कोई भी चीज गीली है भीगी हुई है पानी से भरी हुई है यानी ये इसके पहले वाला जो वर्ड था उससे उतना बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है यहां पर क्या है यहां पर केवल चीज गीली है जैसे फर्श गीला था देखो गौर से फर्श गीला है तो उसने लगा दिया क्वेश्चन वेट फ्लोर यानी कि यहां पर फर्श गीला है वो याद है मुन्ना भाई वाले डायलॉग जादू की झप्पी गीले फर्श पर मुन्ना भाई पैर रख लेते हैं फिर बढ़िया सी जादू की झप्पी देते हैं तो वो जो गीला फर्श है वही कहलाता है सोची क्लियर है चलिए निमोनिक याद कैसे रखोगे सूजी को गीला और भिगाने पर ही अच्छा हलवा बनता है बनता है है ना तो सो सूजी याद रखेंगे सूजी से सूजी का हलवा खाया है ना सूजी याद रखेंगे सूजी से कि सूजी को गीला और भिगाने पर ही अच्छा हलवा बनता है तो सूजी को आप एक रात पहले गला देते हैं भिगा देते हैं तभी तो सुबह उसका अच्छा हलवा बनता है चलिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे बच्चे सिनोनिम्स होंगे वेट मोइस्ट बॉगी सैचुरेटेड और पल्पी ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे और अगर एंटोनिम्स की बात करूं तो ड्राई डिहाइड्रेटेड डेसिकेटेड पार्शेट ये सारे सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे मतलब वो सारे वर्ड्स जो भिगाने की बात करेंगे गीला करने की बात करेंगे रहेंगे इसके सिनोनिम्स और सारे वर्ड्स जो सुखाने की बात करेंगे डिहाइड्रेट करने की बात करेंगे रहेंगे इसके एंटोनिम्स चलिए प्यारा सा एग्जाम्पल मेरे शेरों के लिए बनाता हूं देखते जाइएगा दिस फ्लोर सोची है ना ये लिख दिया मैंने इस फ्लोर को देखकर ही एग्जाम्पल बना दिया कि दिस फ्लोर इज सोजी तो बढ़िया सा वर्ड है बच्चे सोजी जो कि एक नाउन है जो कि एक एडजेक्टिव है और बढ़िया सा इसका मीनिंग है गीला भीगा पानी से भरा होने वाला एक पिक है जो इस गीले और भीगे को जस्टिफाई कर रही है प्यारा सा निमोनिक है कि सूजी को गीला और भिगाने पर ही अच्छा हलवा बनता है एक प्यारा सा एग्जाम्पल है दिस फ्लोर इज सोजी मेरे बच्चे आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए मैं देखता हूं आप लोगों ने क्या क्या नेमोनिक्स बना लिए हैं ओके okay. गीली सूजी को भिखाकर लड्डू नहीं बनता है ओके okay. शंकर ने बनाया है माय क्लोस वर सोजी व्हेन आई रैन इन रेन बहुत बड़ी अच्छा एग्जांपल है आदित्य यादव ने बनाया है जी काफी भीग गए हैं नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे बहुत बढ़िया ऋषभ राजपूत ने बनाया है ओजी के कॉकरोचेस ने तालाब में फेंक कर सोजी कर दिया वाह वा, वा, वा। नमन चौहान ने एग्जाम्पल बनाया है इन कॉलोनी रोड इज़ ऑलवेज़ सोजी शानदार 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 बच्चे बहुत बढ़िया चलिए और बच्चे आप लोगों ने लाइक नहीं किया ना अभी तक जिन भी बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जाकर फटाफट एक प्यारा सा लाइक देंगे बच्चे मैं जानता हूं कि इस वीडियो को आप 500 प्लस लाइक तक पहुंचाएंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए है ना ताकि हर बच्चा जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस तक ये बढ़िया सी वो पहुंच जाए अभी बच्चे बज रहे हैं सात आठ बजे तक आपके पास शानदार इसकी पीडीएफ पहुंच जाएगी आप पीडीएफ डाउनलोड कहां से करेंगे आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे एग्जामपुर डिफेंस